Alak! Say hello! How are you? I'm fine. Say today is my birthday. Woohoo! एवरीवन, जय श्री कृष्णा। आप सब लोग को इस नए ब्लॉग में स्वागत है। तो ये पौंडीचेरी का डे टू ब्लॉग है और कैंस का बर्थडे ब्लॉग। ये वाला जो ब्लॉग है ये हमारे लिए बहुत स्पेशल है, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। और उस दिन मैंने सुबह सुबह ब्लॉग स्टार्ट कर दिया था, तो इस ब्लॉग का स्टार्टिंग मैं यहाँ से करने वाली हूँ जहाँ पे हम लोगों ने दो दिन स्टे किया था। सबसे पहले मैं उसका रूम टूर वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, ताकि जब भी कभी भी आप लोगों का पौंडीचेरी जाने का प्लान बने, ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा हेल्पफुल हो। तो ये एक डुप्लेक्स हाउस है। दो दिन जो हम लोगों ने वहाँ पे स्टे किया था, सिर्फ हम ही लोग वहाँ पे रुके थे। ओनर जो है सुबह से हम आके एक एक बार चेक करके जाते थे। तो बहुत ही कंफर्टेबली, बहुत ही फ्रीली हम लोग वहाँ पे दो दिन स्टे किए थे, एकदम आराम से। तो ये रहा हॉल, रूम भी काफ़ी बड़ा था। और जहाँ पे हम लोगों का ना, ओनर ने खुद बोला जहाँ पे आप लोगों का रुकने का मन करे, आप लोग ऊपर जाओ तो ऊपर सो सकते हो, नीचे जाओ तो नीचे सो सकते हो। मतलब इतना फ्रीली हम लोग दो दिन रुके थे ना, जैसे खुद का घर हो। ऐसे एक बढ़िया सा किचन भी है, चाहो तो कोई कुक करके भी खा सकते हैं, बट हमारे पास टाइम कम था, मैंने कुक नहीं किया, हम लोगों ने बाहर से ऑर्डर करके ही खाए हैं। और बाबाई को देखो, अभी अभी जस्ट स्विमिंग पूल से निकल के आ रहा है। तो चलो ऊपर के रूम को अभी जाके देखते हैं। ये रहा ऊपर का रूम, ये रूम भी काफी बड़ा है। ओनर ने हम लोग को कहा था कि आप लोग चाहो तो यहाँ पे भी रुक सकते हो, मतलब जहाँ पे आप लोग का मन करे वहाँ पे आप लोग आराम से रह सकते हो। बट हम लोगों को लगा कि नहीं, नीचे रहना ही सही होगा। और बाबाई तो एक जगह पे बैठता नहीं, इधर से उधर चलता रहता, ऊपर रहने से दिक्कत होगा उसको बार बार लाने में। तो नीचे इसलिए हम लोगों ने रहना सही समझा, तो नीचे ही हम लोगों ने वहाँ पे दो दिन स्टे किए थे। और बाहर एक बढ़िया सा स्विमिंग पूल भी बनाए हैं। वहाँ पे जो दो दिन हम लोग रुके थे, सुबह उठते ही उसमें पानी भर रहे थे, जाने से पहले तो एक बार जरूर नहाएंगे करके, बट टाइमिंग मैनेज नहीं हो पाया, हम लोग नहीं नहा पाए। बट क्यास ने नहा लिया, चलो क्यास ने नहा लिया तो चलो ठीक ही है। और ये रहा छत, यहाँ पे भी कुछ टाइम बैठ के आराम से टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और जैसे ही मैं छत पे गई ना, बाहर का नज़ारा मेरे को बहुत ही अच्छे से दिखने लगा और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं इधर उधर बस देख ही रही थी वहाँ पे खड़े होके। तो सुबह का टाइम था और छत पे रह के ना सुबह सुबह का बाहर का नजारा बहुत ही अच्छा दिख रहा था, तो अच्छा लग रहा था मेरे को। तो मैं कुछ टाइम वहाँ पे करो के टाइम स्पेंड की। Hey, throw properly, bye-bye. Go take it. Throw it properly, okay? Fill. Come on. Once more. fill. उस दिन का प्लानिंग में क्या ही बताओ, बहुत सारा प्लानिंग था उस दिन हमारा। सुबह सुबह हम लोग निकल गए थे और विल विजिट कर। हे गाइस, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग फ्रॉम पौंडीचेरी। और आज है डे टू और अभी हम लोग आए हैं ऑरोविल। और आज हमारे कियांस का बर्थडे है और इस साल उसका फोर्थ बर्थडे सेलिब्रेशन हम लोग सेलिब्रेट करने वाले है। वेयर इज आवर बर्थडे बॉय कियांस? वो घूम रहा है यहाँ। कम से हाय टू एवरीवन। से हाय टू एवरीवन। कम हियर। ये हे, इट्स अ हैप्पी बर्थडे। Happy birthday, bye-bye. It's your birthday? It's your birthday? Yes. Okay. कल से ये बोल रहा है, मम्मा आई वॉन्ट टू बर्थडे, आई वॉन्ट टू केक। तो इवनिंग को हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं, केक कट वगैरह करने वाले। स्मॉल केक और बिग केक? यू वांट बिग केक। यू वांट चॉकलेट केक और वेनिला केक? विच फ्लेवर यू वांट बाबा? वेनिला, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, विच फ्लेवर? चलो हम अंदर जाएंगे अभी। सबसे पहले ऑरोविल में एक मंदिर है, मातृ मंदिर, वहाँ जाएंगे। जैसे कि आज हमारे कियांस का स्पेशल डे है, तो सबसे पहले भगवान का दर्शन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलो सबसे पहले चलते हैं टेंपल। एंट्री लेते ही गाइस ये हम लोगों को मिला, यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन सेंटर है
तो चलो अभी यहाँ पे चल के देखते हैं। स्पिरिट ऑफ ऑरोविल रिजर्वेशन, ये इंफॉर्मेशन सेंटर है, यहाँ से सीधा जाएंगे तो मातृ मंदिर का रास्ता है। अच्छा, यहाँ से हम लोगों ने टिकट ले लिया है टेंपल जाने के लिए। पर हेड कितना करेंगे? नहीं लिया, फ्री पास है। अच्छा, फ्री पास है, साथ में व्हीकल भी है। बट वेयर इज द ड्राइवर? बट इफ यू वांट टू टेक साइकिल राइड, उसके लिए यू कैन पे, वहाँ पे साइकिल्स हैं, साइकिल खुद चलाना है, पेमेंट भी खुद ही करना है। यहाँ पे क्या एसी नॉन एसी भी है, बट वो पेड है, ये गवर्नमेंट की तरफ से प्राइवेट सर्विस भी है। देखते हैं, यहाँ पे दान पात्र दिया गया है। वो रहा ऑरोविल, यहाँ से अच्छे से दिखाई दे रहा है। हम लोग चल के वहाँ तक गए, ऊपर तक गए, जाने के बाद ये पता चला कि ऑरोविल ही मातृ मंदिर है। अंदर जा नहीं पाए, अलाउ नहीं था, कि अंदर जाने के लिए पहले से शायद बुकिंग करना पड़ता है, जो हम लोग नहीं किए थे। तो बस वहाँ से ही दर्शन, मतलब दर्शन क्या, देख के आ गए, और वहाँ पे एक दान पत्र रखा था। तो अभी कहाँ जा रहे हैं हम लोग, बताओ? हाँ, अभी हम लोग बस में जा रहे हैं, जहाँ पे बाहर का जो गेट है। ये रहा बस हमारा। दूस दूस यहाँ पे कौन देगा तुम? बैठ गए हम लोग बस पे, यह अभी हमें लेके जाएगा गेट तक। बाहर आने के बाद ऑरोविल के एरिया के अंदर ही चाय पानी लेने के लिए हम लोग थोड़ा रुके, और आसपास ना एक दो स्टॉल्स भी बिठाए गए थे, तो सोचा यहाँ पे चाय पानी लेने के बाद वहाँ पे भी जाके देखें। Thank you so much. Thank you. Yes, let's go.
तोरोविल से निकलने के बाद हम लोग सीधा गए व्हाइट टाउन में। उस दिन कियांस का बर्थडे था तो बहुत सारा प्लानिंग था, इवनिंग में भी बहुत सारा प्लानिंग था। तो सुबह सुबह हम लोग सोचा जितना होता है हम लोग कवर कर लेते हैं क्योंकि इवनिंग को नहीं हो पाएगा। और व्हाइट टाउन एक ऐसा प्लेस है पौंडीचेरी का फेमस लोकेशन में से एक है, तो वो तो देख लेंगे। ये कोकोनट से आंटी? नो प्लास्टिक। ओके ओके, मेसिन? हाँ मेसिन में बना। बहुत ही प्यारा है। आंटी कलावती या? कलावती जे 100 रुपीस आ रही है। आयो चलो चलो थैंक यू। अभी हम लोग आए हैं व्हाइट टाउन में, ओरोविल से सीधा अभी हम लोग यहाँ पे आ गए। और ये मैंने ये ब्रेसलेट लिया है जो सभी अभी एक्चुअली वो जो आंटी सेल कर रही थी, एक तो वो बहुत ज़्यादा टायर्ड थी धूप में चल 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 के वो सेल कर रही थी ना, और मेरे को देख के पता नहीं वो ऐसे ही फ्री में देके जा रही थी तो अच्छा नहीं लग रहा था कोई ऐसे फ्री में दे, तो उन्होंने 100 रुपीज़ दे दिया है उसको। और अभी हम लोग कैसे ही व्हाइट टाउन में चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। देखो चारों तरफ बस वाइट ही वाइट है, अच्छा लग रहा है। यहाँ के जो बिल्डिंग्स है ऑलमोस्ट सारे बिल्डिंग्स वाइट ही रहता है वो कलर। Notre Dame des Anges, Église catholique. हम हो चुका था व्हाइट टाउन से जाने के बाद थोड़ा बहुत रेस्ट किया, केक कटिंग का टाइम हो गया। तो इस बार का कियांस का बर्थडे ड्रेस ये था, तो कियांस को मैंने एकदम से रेडी कर दिया था। और बर्थडे बॉय उस दिन बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट था, बहुत टाइम से वो कह रहा था मम्मा आई वांट टू केक, बस आई वांट टू बर्थडे, आई वांट टू केक यही बोलता था दो दिन पहले से। तो फाइनली वो तो केक देखते ही उसका एक्साइटमेंट लेवल तो और भी ज़्यादा बढ़ गया था। और इस बार का केक जो था हम लोगों ने ऑनलाइन मंगवाया था, और सबसे बड़ी बात जैसा हम लोगों ने देख के ऑर्डर किया था बिल्कुल वैसा ही आया। ऑनलाइन जब मंगवाते हैं साइड से टूटा वूटा थोड़ा होता है ना, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। केक कटिंग वगैरह होने के बाद हम लोग शाम को गए थे 70 बीस, हमारे पास टाइम कम था, नेक्स्ट डे कोई हमारा रिटर्न था पौंडीचेरी से तो टाइमिंग नहीं था, बस वही दिन था। तो शाम को हम लोग चले गए थे 70 बीस, और 70 बीस का नज़ारा कुछ इस तरह से आप लोग देख ही सकते हैं। देखो हम क्या कलेक्ट कर रहे हैं पौंडीचेरी से।